हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ शबीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर्स में होता क्या है कि जो हमारा फोरआर्म है उसके अंदर मसल्स और नर्व्स के अंदर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर की वजह से जो हमारी ब्रैकियल आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फोरआर्म की मसल्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो डिमिनिश हो जाती है, खासकर दो मसल्स में, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। इन दो मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो जाने से होता क्या है कि जो बच्चा है उसके जो फोरआर्म के अंदर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी फिंगर्स को फुल्ली मूव नहीं कर पाता। तो अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होने की वजह से जब ब्रेकियल आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन हो जाता है और वो ब्लड सप्लाई को नहीं कर पाती अच्छे से मसल्स में फोरआर्म की, तो होता क्या है कि सीवियर पेन देखने को मिलता है आपको फिंगर्स के अंदर और फोरआर्म में। ये पेन इतना सीवियर होता है कि फ्रैक्चर से भी ज़्यादा सीवियर पेन बच्चे को होता है। दोस्तों, नमनेस आ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है फिंगर्स के अंदर, और स्ट्रेच पेन होता है, यानी कि जब आप बच्चे की फिंगर्स को पैसिवली स्ट्रेच करते हैं तो सीवियर पेन उसके अंदर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो अगर कोई स्प्लिंट या बैंडेज फोरआर्म के अंदर बंधी हुई है तो उसको रिमूव किया जाता है ताकि कोई और ज़्यादा ब्लड फ्लो को कॉन्स्ट्रिक्ट ना करे। उसके बाद बच्चों को फोरआर्म को एलिवेट किया जाता है और बच्चे को फिंगर्स मूव करने के लिए एनकरेज किया जाता है। अगर 2 घंटे के अंदर सिम्टम्स रिड्यूस ना हो तो दोस्तों इसके अंदर डॉक्टर्स फेशियोटॉमी करते हैं, जिसकी मदद से कंपार्टमेंट के अंदर से प्रेशर हटाया जाता है और ब्लड सप्लाई को जो डिमिनिश हुई है उसको रिकवर होने दिया जाता है। दोस्तों, साथ ही सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर का भी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।